अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जायका। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल आलू की तहरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आलू का पुलाव इतना ज़्यादा झटपट बनता है कि जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आप फटाफट से इसे बना सकते हैं। साथ ही इस पुलाव के साथ जो रायता मैं सर्व करती हूँ, वो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेशल रायते की भी रेसिपी शेयर करूंगी। और इस आलू की तहरी को मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूं, उसके बाद भी इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है। तो आप इस मज़ेदार से वेजिटेरियन पुलाव को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चले फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। आलू की तहरी बनाने के लिए गैस पर हमने एक प्रेशर कुकर गरम कर लिया है। जब कुकर गरम हो जाएगा तो हम इसमें हाफ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। जब तक ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, हम इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड करेंगे, वो हम देख लेते हैं। खड़े मसालों में हमने लिया है एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 2 लौंग और एक जावित्री का छोटा सा टुकड़ा लिया है। अगर आपके पास शाह ज़ीरा नहीं है तो फिर आप रेगुलर वाला ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई भी मसाला नहीं है तो फिर आप उसे स्किप कर लीजिएगा। इसी टाइम हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी बीच हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के तेज़पत्ते भी ऐड कर देंगे। जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी और इस तरह की गोल्डन नज़र आने लगेगी, तब हम इसमें 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू डाल देंगे। आलूओं को हमने पहले ही बड़े पीसेस में कट करके वॉश कर लिया है। यहाँ पर आलू की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं को भी ऑयल में हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी बीच हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको भी साथ ही साथ भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, जिसे हमने रफली कट कर लिया है। साथ ही साथ 2 मीडियम साइज़ के रफली कट टमाटर भी ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स दे देंगे और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी स्पाइसी तहरी बनाना चाहते हैं तो फिर लाल मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा। इसी के साथ इसमें खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इन सभी मसालों को आलूओं के साथ मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। इसी बीच अभी हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मसालों को आलूओं के साथ भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले खूब अच्छे से भुन चुके हैं। ऑयल भी सरफेस पे नज़र आने लगा है। इस टाइम हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने बासमती राइस लिए और इनको 10 से 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। और अभी मेरे पास ये भीगे हुए चावल हैं। अगर आप कुकर में पुलाव या तहरी बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर चावलों को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम चावलों को आलू और मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 3 कप के करीब पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और हमने 2 कप चावल लिए थे, इसलिए हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो जिस चीज़ से आपने चावल का मेज़रमेंट किया है, उसी का डबल पानी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें चावलों का नमक ऐड कर देंगे। तो नमक हमने पहले भी 1 टीस्पून डाला था, तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक और डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा। इसी टाइम हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला या फिर पुलाव मसाला ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर होममेड पुलाव मसाले का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत खुशबूदार है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे। इससे चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। नींबू का रस डालने से इस पुलाव का टेस्ट भी बढ़ जाता है और सभी चावल बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसे स्किप कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और चावलों में एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर चावलों में बॉयल आ चुका है। इस टाइम आप इस पानी को टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पानी में नमक अगर आपको खुला लगेगा तो फिर चावल बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आएगा।
अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 विसिल आने का वेट करेंगे। जब 2 सीटी आ जाएंगी तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। जब तक प्रेशर ठंडा हो रहा है, तहरी के साथ सर्व किए जाने वाला हम स्पेशल रायता तैयार कर लेंगे। रायता बनाने के लिए यहाँ पर हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब दही डालेंगे। साथ ही साथ बहुत थोड़े से धनिया और पुदीना की पत्तियाँ भी शामिल कर देंगे। एक स्मॉल साइज़ की हरी मिर्च डाल देंगे, जिसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही साथ 2 पिंच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून के करीब भुना ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। जार को कवर करके इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर रायते का मिक्स तैयार हो चुका है, हम इसे एक साइड रखेंगे और आगे का स्टेप शुरू करते हैं। अब एक बोल में 3 से 4 चम्मच हम दोबारा से दही ले लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जब दही अच्छे से फेंट जाएगा तो हम इसमें बनाया हुआ रायते वाला मिक्सचर डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल मज़ेदार सा गाढ़ा रायता तैयार हो चुका है। आप इसे ऐसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की गाजर ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले ही कद्दूकस कर लिया था। साथ ही एक मीडियम साइज़ का ग्रेट किया हुआ खीरा भी ऐड कर देंगे। वेजीज़ के साथ हम रायते को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस रायते को बिना सब्जियों के साथ बना रहे हैं, तब आप किसी भी बिरयानी या पुलाव में सर्व कर सकते हैं, लेकिन आलू की तहरी या फिर पुलाव में ये वाला रायता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इस रायते को आप किसी भी सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रायता तैयार हो चुका है, हम इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इधर कुकर का प्रेशर भी अपने आप रिलीज़ हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी तहरी तैयार हो चुकी है, चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। अब हम इसको हल्के हाथों से उलट पलट करके सर्व कर लेंगे। गरम गरम आलू के पुलाव को हमने स्पेशल रायते के साथ सर्व कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा प्योर घी भी डाल देंगे। घी के साथ तहरी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस मज़ेदार सी आलू की तहरी या फिर वेज पुलाव को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो देर किस बात की, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।